क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट ध्यान दें, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में आप पढ़ रहे थे। पेज नंबर 87 पर जब आप बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 87 पर आपको मिलेगा। पेज नंबर 87 में सबसे निचली लाइन पर आ जाएं, सबसे लास्ट लाइन जो बचता है, सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन लुक्ड प्लीज से स्टार्ट करना है। यहाँ से देखें, सेवन लुक्ड प्लीज, रमेश टोल्ड मी दैट ही टैक्स टू मील फॉर मिस्टर नाथ इवनिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। सेवन बहुत प्रसन्नचित दिखता था क्योंकि सेवन ये बता रहा था कि रमेश ने मुझे बताया है कि वह मिस्टर नाथ के लिए रोज दो बार भोजन ले जाता है सुबह शाम, एंड टू कप्स ऑफ टी, और दो कप चाय ले आता है, वन इन द मॉर्निंग, एक सुबह में ले जाता है, एंड वन इन द आफ्टरनून, और एक शाम को ले जाता है। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट। रमेश का कहना है कि वह क्या खाता है इसके बारे में वह विशेष चीज ध्यान नहीं देता। ही ईट ऑलवेज द सेम फूड, वह हमेशा एक तरह का ही भोजन खाता है, टू चपाती सम दाल एंड वेजिटेबल, दो रोटी दाल और सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ पैसे देता है और कुछ न कुछ बताता है, अच्छी चीज़ बताता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे बताया, सेवन आगे कहने लगा, सेवन एडेड, सेवन आगे बताया कि रमेश का कहना है कि वह कुछ बहुत विचित्र आदमी है। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर रविवार के दिन, ही कैरीज टू लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम, वह हर रविवार के दिन दो लंच मिस्टर नाथ के कमरे में ले जाता है, एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और हर बार एक ही आदमी उसके साथ मिलता है। ही इज टाल, वह लंबा है, फेयर साफ सुथरा, स्टाउट मजबूत है, एंड वियर स्पेक्टिक्स और चश्मा पहन रहता है। रमेश सेज हीज विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश का कहना है उसका विजिटर जो है बहुत बात करता है। व्हाइल मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जबकि मिस्टर नाथ शायद ही कुछ बोलता है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा ठीक है, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, इसका मतलब है कि अभी हम इंक्वायरीज में कुछ और उन्नति लाना है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रू, हमें एक अच्छे दक्ष की तरह, एक अच्छे निपुण एक्टिव की तरह, डिटेक्टिव की तरह, गुप्तचर की तरह कुछ फैक्ट चीज़ों को लिस्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको पकड़ सकें। हाउ डू यू गो ऑन माया, सेवन सेवन गहरी सांस लेते हुए कहता, तुम फिर इसको आगे कैसे बढ़ाओगी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ई क्रूक, कैसे यह संभव है कि वह एक क्रूक ही है, भागा ही हुआ है, बेईमान ही है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वह तो बहुत सामान्य दिखता है, तो बता रही है क्रिमिनल्स लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्ट, अपराधी भी बिल्कुल सामान्य और बहुत स्मार्ट दिखते हैं। रिटॉर्टेड, उसने कहा, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर, हाउस ब्रेकर का मतलब है घर के अंदर सेंध मारने वाला। वो बता रहा है, क्या तुम घर के अंदर सेंध मारने वाले उस हैदराबादी की तस्वीर को देखा जो पेपर में था कल, स्टडे पेपर। ही लुक लाइक एनी मैन ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के किसी भी व्यक्ति की तरह ही था, सभी व्यक्तियों की तरह से लगता था। निशाद लुक डाउटफुली, निषाद फिर संदेश देखने लगा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन बहुत जोर की मानसून शुरू हो गया। डार्क क्लाउड्स आर कंपेंड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड रोलिंग रोल थंडर बस्ट विद द ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग द स्ट्रीट विद हैवी डाउन पोअर। अगले दिन बहुत जल्दी ही मानसून पहुंच गया, काले बादल आकाश में छा गए,
तेज की गरजना चमकना शुरू होगा, जोरदार पानी हुआ, गलियों में लगभग बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, मूसलाधार बारिश हुआ, हैवी डाउनपोर। स्कूल वाज हैव टू रीओपन आफ्टर समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुला था दोबारा, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड। लेकिन बाढ़ जैसे रोड पर कोई भी यातायात आते जाते नहीं दिखा। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और बिना उम्मीद की गई एक छुट्टी हो गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। मैंने सोचा कि मैं इस समय को कुछ सदुपयोग में लगाऊं। आई सैट एट माई डेस्क इन बेडरूम। मैंने बेडरूम में डेस्क के पास बैठ गया। विद शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, अपने सामने एक पेपर का कागज ले लिया। तो आज फिर आपको यहीं तक। नेक्स्ट जो पार्ट टू है, सेकेंड डे सेंड की जाएगी।